हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हो गया हमारा बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस फाइनली चैप्टर कंप्लीट। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, सब कर लिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10th का जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। सो यू नो अबाउट मी, आई एम योर साइंस एजुकेटर मलिका सेठी, जो कि आप मुझे देख रही हैं क्लास अपार्ट, जो कि अनअकैडमी का चैनल है। अब देखो, मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ अनअकैडमी के बारे में। देखो, यूट्यूब पे आप देख रही हैं, आप अपनी मर्जी से देख रही हैं, है ना। आप मेरे को भी देख सकते हैं, आप किसी और को भी देख सकते हैं। बट सपोज जैसे आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, आप मेरे से पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, या मेरे अलावा किसी और ऐसे एजुकेटर से पर्सनली पढ़ना चाहते हैं कि नहीं मुझे इसी एजुकेटर की अच्छे से समझ आती है, और आप अपना कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छा हमारे इंडिया में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, दिस वन इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें टू कोर्सेज मिलेंगे, एक तो स्पेशल कोर्सेज है, एक आपका है प्लस कोर्स। स्पेशल क्लासेस में क्या होते हैं, स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, सब सिलेबस कराया हुआ है। बट मैंने आपको बोला कि लाइक आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, आपको मेरे से पर्सनली पढ़ना है, मेरे से पर्सनली आपने अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको फायदा क्या होगा, प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपकी प्रॉपर डेली क्लास लगेगी, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आप एक अपने फ्रेंड्स की तरह, अपने पर्सनल ट्यूटर की तरह उनसे कुछ भी किसी भी टाइम डिस्कस कर सकते हैं, और एक आप कंफर्ट जोन में पढ़ सकते हैं। आपको अपने घर पे बैठ के पढ़ना है, आपको कहीं नहीं जाना, नहीं धूप में जाना, गर्मी में जाना, ठंड में जाना, आप अपने कंफर्ट जोन में बेड पे, सोफा पे, जहां भी बैठ के पढ़ना चाहिए आप वहीं बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये आपके सारे फायदे ही फायदे हैं। एक फायदा मैं आपको और बताना चाहूंगी, जो कि आपके लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, मीन्स पेरेंट्स के लिए भी फायदेमंद है। सो वो ये है कि जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो आपको ये देखो, ये सारे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 3 मंथ से लेके आपके पास 48 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन है, इतने पे करने हैं। इतने पे करने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स होंगे, वो आपको सब सब पता चल जाएगा जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो सपोज अगर आप 3 मंथ का ले रहे हैं या 6 मंथ का आप ले रहे हैं, अगर आप 6 मंथ का ले रहे हैं तो आपको 10,000 पे करने हैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 6 महीने के लिए। बट अगर आप प्रोसीड टू पे करते थे, मेरा ये रेफिल कोड यूज करते हैं MASE, तो आपको 10% फ्लैट ऑफ मिलेगा। 10% मीन्स आपको 10,000 की जगह कितने करने हैं, ओनली 9,000 रुपीज पे करने होंगे। तो आपको ये भी एक फायदा है। तो सारे फायदे ही फायदे हैं आपको पढ़ाई में, आपको नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ पढ़ना है, आपको टीचर से कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं, जिस टाइम आप पढ़ना चाहें आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से वही टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। मींस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, स्टडी करनी है, बाकी सब काम हमारा है। तो अभी अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो पहले आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, लर्निंग ऐप नहीं है तो लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और ये मैंने आपको बताया डाउट्स का, तो डाउट्स के लिए आप स्पेशल अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लाइक आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो जैसे स्क्रीन में शो किया हुआ है, इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, देन आप उस पर सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है, मुझे इस सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन नहीं आता। आपको उसका जो आंसर है वो वीडियोस की फॉर्म में मिलेगा, एंड इजी से इजी फॉर्म के अंदर वो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, समझ आ जाएगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, लैंग्वेज इजी होगी। एंड वन ऑप्शन और कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, आपको पंजाबी में करना है, आपको हिंदी करनी है, आपको इंग्लिश करनी है, जो लैंग्वेज आपके लिए कंफर्ट है आप वही लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे, इतने सारे फायदे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के। नहीं है तो डाउनलोड कर ले, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी मेरा मीन्स क्लास अपार्ट अनअकैडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा, आपको जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने लाइफ प्रोसेस कराया था, मैंने बोला था कि इंटरेस्टिंग है बट हार्ड है, हमें उसको समझने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए प्रॉपर, उसको हमें लर्न करने के लिए बारी बारी हम उस चीज को रिपीट कर सकें, हम अपने माइंड में बार बार हमें उसे याद कराना पड़ेगा कि ये होता है।
बट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर इतना इजी और इतना इंटरेस्टिंग है ना, अगर आप समझते जाएंगे साथ साथ तो आपको करने में मजा आता जाएगा। इसमें आपको धक्के से नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपका मन खुद करेगा कि हाँ हम आगे कुछ और करते हैं। तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास 12th क्लास आगे कहीं भी जाओगे बेसिक यही है। अगर आपको ये चैप्टर आ गया ना तो आप आगे जाके केमिस्ट्री में कहीं पे भी बॉन्डिंग में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, बाकी हाई लेवल का हो जाता है तो हमें सब लर्न करना ही पड़ता है। सो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो हमारे चैप्टर का नेम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मीन्स हमें क्या करना है, कार्बन प्लस उससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स होते हैं लाइक CH4 हो गया, CH2 हो गया, ये सब। अब देखो मैंने CO करके काट क्यों दिया, रीजन क्या है, रीजन ये देखो हम कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो ये किस में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। साइंस के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में जो भी हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं मोस्टली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड होते हैं, नेचुरल चीजों से होता है। आजकल तो ऑर्गेनिक, वैसे भी ऑर्गेनिक खेती हो रही है, ऑर्गेनिक हम फूड लेते हैं, ऑर्गेनिक वीट लेते हैं, तो ऑर्गेनिक मीन्स विदाउट फर्टिलाइजर्स मेनली यूज किया जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे बोलती है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनी होती है, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा उसके अंदर, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे, सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, या उसके साथ फर्दर कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, बट उसके अंदर कार्बन तो होगा ही होगा। विदाउट कार्बन कोई भी हम कंपाउंड को ये नहीं बोल सकते कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो हम इसमें कार्बन और उससे उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमने पढ़ना है बॉन्डिंग इन कार्बन की, कार्बन के अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है। सेकेंड हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फोर्थ हम रीड करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, एंड कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से कि बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट होती है। अब देखो इस नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, कोवेलेंट, कोवेलेंट, को मीन्स होता है सेम, वेलेंट मीन्स होता है वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले सकते, जिसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंसी सेम सेम होगी, रिलेटेड होगी एक दूसरे से, हम उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग पेयरिंग करके बनता है। तो देखते हैं कैसे बनता है, आपको अभी इजीली समझ आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 9th क्लास में या बच्चे इससे पहले कोवेलेंट बॉन्ड से बिल्कुल ही अनजान होते हैं, उनको नहीं पता होता। तो फर्स्ट आपका जो टास्क है यही है कि आप कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से समझो। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, हमें पता है कार्बन पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे होता है, 6 पे होता है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस शेल के अंदर, के शेल के अंदर एल में एम में इस टाइप से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 6 में से रिमेनिंग कितने रह गए, 4, तो एल वाले में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो कार्बन कितने पे होता है, 6 पे होता है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने होंगे, 4 होंगे। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट कार्बन कांट बी फ्रॉम एन आयनिक बॉन्ड, बता रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन अचीव करने हैं इसको। अब देखो एल वाले के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, 8 होते हैं, बट यहाँ कितने हैं, 4 है, मीन्स हाफ है। वैसे हम ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स हमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करनी है। लाइक अगर मैं आपको एक सोडियम का एग्जांपल बता देती हूँ, आयनिक बॉन्ड भी आपको क्लियर हो जाएगा, आयंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी थर्ड चैप्टर नहीं किया है। थर्ड चैप्टर में कोवेलेंट एंड आयनिक कंप्लीट करके ही आप फोर्थ चैप्टर पे आते हैं, तभी तो मैं आपको आयनिक बताती हूँ कि व्हाट इज आयनिक एंड व्हाट इज आयंस। लाइक अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम कितने पे होते हैं, 11 पे होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल। फर्स्ट के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2,
एल में होंगे 8, एम में कितने बच गए, 1 बच गया, ठीक है, 2, 8 and 1। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, मींस इसके एल के अंदर 8 है ना, तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी इसके पास 8 कंप्लीट है, एम में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लाइक 8 चेयर्स पड़ी हैं, 8 चेयर्स पे 8 पर्सन आ सकते हैं, 8 पर्सन वो पूरे करने हैं, बट हमारे पास 8 चेयर्स में से पर्सन सिर्फ ओनली 1 ही है, बाकी 7 चेयरें खाली पड़ी हैं, तो जो एक पर्सन बैठा है वो अकेला तो बैठेगा नहीं, वो क्या करेगा, साथ वाले किसी और के पास चला जाएगा। लाइक यहाँ पे क्लोरीन की पार्टी हो रही है जो कि 17 पे है, के एल एंड एम, के अंदर होंगे 2, इसके अंदर होंगे 8, इसके अंदर होंगे 7, दो पार्टियां चल रही हैं, है ना। अब यहाँ पे टोटल 2 चेयर्स थी, 2 चेयर्स फिल हैं, ये 8 चेयर्स थी फिल हैं, एम के पास टोटल चेयर्स कितनी है, 8 है, चेयर्स तो एम के पास 8 है, बट पर्सन कितने बैठे हैं, ओनली 7 बैठे हैं, ठीक है, ओनली नहीं 7 बैठे हैं, ओनली 1 जो है वो चेयर खाली है, एम्प्टी है। अब सोडियम की पार्टी भी हो रही है और क्लोरीन की पार्टी भी हो रही है, K वाले का L से कोई लेना देना नहीं है, K वाले अपने अलग दोनों पार्टी कर रहे हैं, L वाले 8 अपनी अलग पार्टी कर रहे हैं। अब M वाला बचा, M के पास टोटल चेयर्स कितनी है, अलग अलग रूम्स है, सपोज K का रूम अलग है, L का रूम अलग है, M का रूम अलग है। अब देखो क्या है, M का रूम अलग है तो यहाँ पे टोटल 8 चेयर्स हैं, बट एक बंदा कल्ला तो पार्टी कर नहीं सकता। अब ये एक बंदा क्या करेगा, वन पर्सन क्या करेगा, ये 7 चेयर्स जो खाली पड़े हैं वो सोच रहे मैं भी उठ ही जाता हूँ कि ये चेयर खाली हो जाएगी। अब ये वाला पर्सन उठा और ये इस वाले एम के पास आ गया, उसने देखा कि इसके पास टोटल 7 पर्सन है बट एक चेयर खाली पड़ी है, तो इसने इसको बोला कि मेरी तेरी चेयर्स भी फुल हो जाएंगी और मेरा भी यहाँ पे जो बोर हो रहा हूँ वो मेरा ठीक हो जाएगा मूड। तो इस वाले एम ने क्या किया, इस वाले एक पर्सन को यहाँ पे बुला लिया, यहाँ बुलाया, तो ये कितने हो गए, टोटल 8 हो गए, और ये वाला क्या हो गया, एम वाला खाली हो गया। मीन्स या तो आप 8 फुल कर दो, फुल नहीं कर सकते तो उसको खाली कर दो, ठीक है। अब ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये दोनों रूम शेल्स फुल हो गए, ये वाले शेल्स भी क्या हो गए, फुल, के अंदर 2 हो गए, एल में 8 हो गए, इसमें भी 8 हो गए। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स दिया है, इसने अपना पर्सन भेजा है, तो जो भेजता है फिर भी उसमें एटीट्यूड आता है कि हाँ मैंने अपना बंदा भेजा तुम्हारे पास, तो जिसके अंदर एटीट्यूड होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, वो पॉजिटिव शाइन शो करता है। और क्लोरीन जिसने लिया है, इसने अपनी जगह भी दी है बट इसको भी जरूरत थी अपने 8 चेयर्स कंप्लीट करने की, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो होते हैं ये आयंस बनाते हैं, ये इनको हम बोलते हैं कैटायंस और इसको हम क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमारे बन गए आयंस, होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बनते हैं। अब देखो बात आती है कार्बन की, अब अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के पास टोटल कितने हैं, ये अभी हम देखते हैं कि कार्बन क्या करता है, वो आयंस क्यों नहीं बनाता, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं बनाता है, वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। इसने शेयरिंग नहीं की, इसने अपने बंदे को सीधा दे दिया था सोडियम ने, ये क्या करेगा। अब देखो हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन कितने पे होता है, 6 पे होता है, के शेल और एल शेल, के में होंगे 2, एल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेगा, अब इसके पास टोटल 8 चेयर्स हैं, आप चेयर्स की फॉर्म में याद रखो, इसको टोटल 8 चेयर्स हैं, पर्संस कितने हैं, 4, हाफ है, ठीक है। अब हाफ है तो ये क्या करेगा, जब हाफ हो जाती है ना कोई चीज, तब वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अब हाफ है, 4 किसी को देगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये सामने वाले से किसी से लेगा तो उनके पास भी तो 4 ही होंगे ना, तो 4 वाला दोनों में लड़ाई होगी, जैसे कि एक चेयर, एक तो सी वाला है, एक फर्दर कोई ए और है सपोज कर ले, उसके पास भी एल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये बोल रहे तेरे भी तो 4 है तू मुझे दे दे, ये बोल रहे तेरे भी तो 4 है तू मुझे दे दे, दोनों में लड़ाई होगी, तू दे दे तू दे दे तू दे दे करके दोनों में लड़ाई हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, ना तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है। ये कहेगा मैं अपने 4 बंदों को नहीं भेजता, ये बोलता है मैं अपने 4 बंदों को नहीं भेजता, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। जो इक्वालिटी आ जाती है ना वहां हमेशा लड़ाई हो जाती है, चाहे वो हमारे पर्सन हो चाहे हमारी फ्रेंडशिप हो, किसी ना किसी एक को ऊपर एक को डाउन होना ही पड़ता है किसी भी रिलेशन में मान ले, तो वही इनकी रिलेशन है। अब ये 8, 4, 4 है तो कार्बन क्या करता है, ना तो लॉस कर सकता है ना वो गेन कर सकता है,
मीन्स ना ही अपने फोर पर्सन को भेज सकता है, ना ही इन फोर पर्सन को ले सकता है। ले इसलिए नाराज हो कि ये नहीं दे रहा। तो क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं ले सकते, ये तो हमने अपनी सिंपल लैंग्वेज में कर ली कि चार बंदे कह रहे हैं मैं नहीं जाता, वो कहते हैं मैं नहीं देता। बट अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़े तो चार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में देते क्यों नहीं है, रीजन क्या होता है। जो कार्बन है ना, कार्बन की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या है उसके अंदर, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ अभी कि कार्बन जो है वो क्या कर रहा है। कार्बन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या होगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल है, के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एल के अंदर कितने हैं, टोटल फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम इसके फोर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से लेते हैं तो इसको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी जो है वो निकलती है, क्योंकि ये बहुत न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के बीच में और आउटर शेल के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ये चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता कार्बन। अभी अगर चार इलेक्ट्रॉन अपने देना चाहे किसी को तो दे भी नहीं सकता, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है वो इसके साथ बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है, तो हमें बहुत हाई एनर्जी में, अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी इन फोर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने के लिए। तो कार्बन जो है वो ना तो फोर इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है, या मान लो ये जो न्यूक्लियस है वो इसका हेड है, वो हेड कहता है ना तो मैं देने दूंगा ना मैं लेने दूंगा। तो ये करते क्या है आपस में, कार्बन क्या करता है, जैसे अभी हमने बात की कि एक और बंदा है ए, अब इसके पास टू इलेक्ट्रॉन थे, एल के पास इसके पास फोर थे, और इसमें भी एल के पास क्या थे, फोर थे। अब इन दोनों के अंदर क्या होगी, सहमति होगी। सहमति कैसे होगी, कोई सुपरवाइजर आया चेक करने, इसको भी अपनी एट चेयर्स फिल करनी थी, इसको भी अपनी एट चेयर्स फिल करनी थी, तो इन्होंने क्या किया, जब इसको जरूरत थी तो इसने अपने फोर बंदे इसको भेज दिए, ये एट कंप्लीट हो गए। जब इसको जरूरत थी तो इसने अपने फोर पर्सन यहां भेज दिए, एट चेयर्स क्या होगी, कंप्लीट होगी। मींस दोनों ने आपस में सुलह कर ली, समझदारी कर ली, शेयरिंग कर ली कि जो चार तेरे हैं वो चार मेरे भी हैं, जो चार मेरे हैं वो चार तेरे भी हैं। फोर फोर को आपस में क्या कर दिया, शेयरिंग कर ली। तो अब शेयरिंग कर ली, तो शेयरिंग कर ली तो दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई ना। लाइक अगर मैं, मेरी कोई फ्रेंड है तो मेरी फ्रेंड के साथ मेरी अच्छी, हम बोलते हैं ना कि इसकी तो फ्रेंडशिप है, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो बॉन्डिंग हो जाती है ना। तो इनके अंदर जो ये इन्होंने फ्रेंडशिप की है, जो ये इस टाइप की इन्होंने साझेदारी की है, शेयरिंग की है, इनके अंदर जो बॉन्डिंग हो गई, हम इसको क्या बोलेंगे, क्या हो रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, को मींस होता है सेम, वेलेंट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इस इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब एक दूसरे के हो गए। तो इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली, शेयरिंग करके क्या बना दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। बहुत मतलब ये समझना आपके लिए जरूरी है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे हमारा, इट कुड गेन फोर इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग सी फोर केटायन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद सिक्स प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द टेन इलेक्ट्रॉन। वही बात हो गई कि ये जो फोर इलेक्ट्रॉन्स है, सी फोर नेगेटिव नहीं बना सकता, मींस ये केटायन्स भी नहीं बना सकता और ये एनायन्स भी नहीं बना सकता। यहाँ पे एनायन आएगा, सॉरी, ये एनायन्स, एनायंस नहीं बना सकता और ये सी फोर पॉजिटिव के टाइम भी नहीं बना सकता, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिमूव फोर इलेक्ट्रॉन हमें देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड है। तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है, ये केस भी पॉसिबल नहीं है, फोर इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकते, फोर इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकते। दस कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर कार्बन एटम और विद अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो अगर हम बात करते हैं, लाइक ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसके भी, ये भी सिक्स नंबर पे है, ये भी सिक्स नंबर पे है, के और एल मीन्स टू एंड फोर, के और एल मीन्स टू एंड फोर हो जाएगा। अभी आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग कैसे करेंगे, अब ये अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके पास टोटल टू इलेक्ट्रॉन, ये कितने, वन टू थ्री फोर है, एक और भी सेम कार्बन है, क्या करेंगे, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू, और ये कितने हैं,
1, 2, 3, 4, तो इन्होंने आपस में क्या कर लिए, 4, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। या आपको आप इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम डॉट्स की फॉर्म में लिखते हैं। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। जितने शेल के अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो कार्बन के कितने हैं, 1, 2, 3, 4। अनदर कार्बन लेते हैं, उसके कितने हैं, 1, 2, 3, 4। अब इन्होंने आपस में 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, इसके भी हो गए। ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, शेयर कर रहे हैं। इसने इसके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो इसके पास 8 हो गए, इसने इसके शेयर किए तो इसके पास भी क्या हो गए, 8 हो गए। मींस इनको जब जरूरत होती है आपस में क्या कर लेते हैं, ये शेयर कर लेते हैं इनको अपने बॉन्ड कंप्लीट। तो इसके भी 8 कंप्लीट, इसके भी 8 कंप्लीट, ये भी कुछ, ये भी कुछ। और जो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये आपका था सबसे बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की व्हाट इज कोवेलेंट कंपाउंड, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया। होप आपका अभी ये जो 1 persons 1 shares वाला दिमाग से निकलेगा, नहीं समझ आया एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा करने में। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड आपका क्लियर हो चुका है। देन टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सिंगल कब होता है, जब कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दो एटम्स हैं क्या कर रहे हैं, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अगर टू पेयर अगर उनके बीच में वो हो रहे हैं, टू पेयर शेयरिंग हो रहा है, तो डबल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल कब बनेगा, जब 3 पेयर्स हो रहे हैं। तो 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 1, 2, 3, 4। यहां मैंने आपको बोला ना कि 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये अकेला कार्बन कभी बॉन्ड नहीं बनाता, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। नहीं तो आप कभी ऐसे नहीं लिख सकते कि कार्बन जो है वो इस टाइप से 4 बॉन्ड बना देगा। नो, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर अपनी बॉन्डिंग को कंप्लीट करता है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि 4-4 आपस में शेयर कर सकते हैं, कार्बन कार्बन के साथ भी कर सकता है, अदर एटम के साथ भी कर सकता है। देन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बात करते हैं, हम सबसे पहले इजीली हाइड्रोजन की बात करते हैं। लाइक अगर हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया, अब ये भी फर्स्ट नंबर पे है, ये भी फर्स्ट नंबर पे है, इसके के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके के में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, यहां है कितने, 1, यहां भी कितने, 1, मींस इनके पास चेयर्स कितनी है, 2, बंदा कितना है, एक ही है, पर्सन तो ओनली 1 ही है। अब यहां भी 1 पर्सन है, यहां भी 1 पर्सन है। अब बट इनके अंदर लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई कब हुई थी, जब कोवेलेंट बॉन्ड पता नहीं था, इन लोगों को आपस में पता नहीं था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है। अब हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन हम इस डॉट की फॉर्म में लिखेंगे, इस हाइड्रोजन का हम इस डॉट की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको बोला कि आजा मेरे पास मुझे शेयर करना है, इसने भी इसको बोला कि आजा मुझे क्या करना है, शेयर करना है। तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का शो करेगा, यहाँ हम लगा देंगे हाइड्रोजन। इससे क्या हुआ, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट होगी 2 की, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट होगी 2 की, इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच में जो बॉन्ड बन गया वो कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच। ठीक है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों का सिंगल बॉन्ड में, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और इस टाइप की स्ट्रक्चर्स जब हम उसको डॉट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, इस टाइप से इनकी क्या बनी है, स्ट्रक्चर बनी है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये था सिंगल के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं CH4। आपके पास आ जाए कि CH4 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। आपको क्रैम नहीं करनी है, बहुत मजा आता है करने में, अपनी कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, अपनी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो मेरे पास बनी है, बट मैं फिर भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। कार्बन है, सबसे पहले हमने सब एटम्स को लिख देना है, कार्बन, हमने एक कार्बन लिख दिया। देन 4 हाइड्रोजन, हम अपने 4 हाइड्रोजन, यहाँ 1, 2, ये 3 और ये 4, हमने 4 हाइड्रोजन लगा दिए।
अब हमने इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लगा देने, कार्बन के पास फोर होते हैं, मैंने यहाँ पे क्या करूंगी फोर इलेक्ट्रॉन्स लगा दूंगी, ठीक है। हाइड्रोजन के पास वन वन है तो मैंने हाइड्रोजन के पास क्या कर दिया वन वन इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। अब इसको अपने टू करने हैं, इसको अपने एट कंप्लीट करने हैं। ये क्या करेगा, अब ये वाला हाइड्रोजन इसको बोलेगा आपकी एक इलेक्ट्रॉन मुझे दो, ये हाइड्रोजन बोलेगा आपका एक इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर करना है, ये बोलेगा मुझे आपका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, इसने क्या करना है इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, और ये भी क्या करेगा सारे के सारे ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या कर लेगा शेयर कर लेगा सारे आपस में। मींस हाइड्रोजन कार्बन के साथ कर रहा है इस टाइप से, कार्बन एक हाइड्रोजन फिर दूसरा हाइड्रोजन फिर तीसरा हाइड्रोजन फिर क्या फोर्थ हाइड्रोजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी तो टू होती जा रही है और कार्बन की वैलेंसी क्या होगी टोटल एट हो गई। कैसे होगी एट, देखो कार्बन के पास वन टू थ्री फोर ये थे, फिर ये हो गया फाइव, ये हो गया सिक्स, ये हो गया सेवन और ये हो गया एट, और हाइड्रोजन के पास वन ये हो गया टू ये हो गया, तो सबकी वैलेंसी क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है। और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बना लिया है सिंगल बॉन्ड बना लिया। सो क्लियर है ये CH4 की हमारा सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, चाहे आपके पास CH4 आ जाए या कोई और मॉलिक्यूल आ जाए तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद CO2 कैसे बनता है, सेम हमने सबके अंदर अब ऐसे करना है। देखो कार्बन है, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है फोर, हमें ये देखो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम ने क्या किया पहले तो यहाँ पे तो वन वन लगा दिए, अब कार्बन ने क्या कर दिए चार अलग अलग डॉट लगा दिए, क्योंकि हम पढ़ते थे तो हमारे माइंड में भी क्वेश्चन आता था कि आपने चार अलग अलग लगा दिए। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ये ऑक्सीजन किया, यहाँ ऑक्सीजन किया, फिर मैंने अब इस पे टू टू फोर टू सिक्स इस टाइप से कर दिया, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लगाना है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है बच्चों, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है आपको खुद से सोचना है कि कार्बन है ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आप ये सोचो अपने ओरली देखो कि ऑक्सीजन टोटल कितने नंबर पे होता है एट पे होता है, उसका एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का एट, फर्स्ट शेल के अंदर टू इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड में कितने आ जाएंगे सिक्स आ जाएंगे, तो इसको अपना शेयर कर सॉरी इसको शेयर करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको टू इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अब ये टू इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कार्बन से शेयर करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करने हमने यहाँ पे इसके वाली साइड क्या कर दिया उतने डॉट्स लगा दिए। तो थोड़ा सा सोच के अपने थोड़ा सा, अब ऑक्सीजन ये टू इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके पास टोटल एट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्सीजन इसके साथ शेयर करेगा तो इसके एट हो जाएंगे, ये कार्बन क्या करेगा इसके टू इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये क्या करेगा ये वाले टू इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, टू टू इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा लाइक दिस, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा। जब इसने टू इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। देन H2S ये आप लोगों ने खुद बनाना है, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि सल्फर 16 पे होता है, हमने यहाँ 16 लगा दी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लगा दी, 16 मीन्स क्या होगा 2, 8 एंड 6, हमने आगे वाले को देखना ही नहीं, हमने सिर्फ लास्ट में देखना है कि के एल एम, एम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे 8, बट यहाँ पे कितने हैं 6, दो कम है ना, तो दो कम है तो कैसे शेयर करेगा एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, मीन्स इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अभी हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हमारा रह गया ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया, तो ट्रिपल बॉन्ड मैं आपको बता देती हूँ N2, N2 का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो लाइक अगर हम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन लें, नाइट्रोजन के कितने पे होता है 5 पे होता है, के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, L के अंदर टोटल 5 है, होने कितने चाहिए इसमें 8 होने चाहिए 5 है, तो अब इसको 8 कंप्लीट करने हैं तो हम पहले इसको ये लिखते हैं 1 2 3 4 5, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, कंप्लीट करने के लिए कितने शेयरिंग करेगा 3 शेयर करेगा, 3 शेयर किया तो इसके पास क्या आ जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, ठीक है, तो क्या बन गया ट्रिपल बॉन्ड बन गया जिससे N2 बन गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर किए तो वो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये था सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होती, आयनिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग होती है, कोवेलेंट के अंदर अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती है, और इनके इसकी वजह से इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, लो होते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते मूव करने के लिए, तो ये क्या करती हैं, पुअर कंडक्टर, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। नेक्स्ट, एलोट्रोप ऑफ कार्बन्स। कार्बन्स हमें किस किस फॉर्म में मिलते हैं, व्हाट इज एलोट्रोप, द फिनोमिना इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हमें मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। कार्बन हमें किस फॉर्म में मिलता है, मेन थ्री एलोट्रोप्स हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एंड बल्क मिस्टर फर्नेफलरेंस हो गया। डायमंड हम सबको पता है व्हाट इज डायमंड, बट इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें वन कार्बन फर्दर फोर कार्बन के साथ अटैच होता है, इस टाइप की उनकी स्ट्रक्चर होती है। इन दिस कार्बन एन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन फॉर्मिंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड एन इंसुलेटर। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग ग्लास। इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी रिंग्स। हम डायमंड रिंग्स पहनते हैं तो ज्वेलरी के अंदर यूज होती है, वो कार्बन की मिलकर बनी होती है, कार्बन की स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की, वन कार्बन फर्दर फोर कार्बन से अटैच होते हैं, वन कार्बन ये टू कार्बन ये फिर होगा थ्री कार्बन ये होगा फोर कार्बन, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, और ये हार्डेस्ट होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। देन ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट जो होते हैं इसमें वन कार्बन जो होता है फर्दर थ्री कार्बन के साथ अटैच होता है, तो कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने होते हैं, फोर होते हैं, बट ये थ्री के साथ अटैच है तो इसमें एक बॉन्ड फ्री होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, यूज किया जाता है इसको। उसके बाद है बकमिस्टर फर्नेस। ये कार्बन 60 से मिलकर बना होता है, जो कि एक फुटबॉल की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स। इसके अंदर टोटल 60 कार्बन होती हैं, जो कि एक डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं और एक स्फेरिकल फुटबॉल की स्ट्रक्चर बनी होती है। तो ये हमारे कार्बन के एलोट्रोप्स थे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरेंस। देन कार्बन इज अ वर्सटाइल नेचर। व्हाई? डिफरेंट नेचर क्यों है? कार्बन एक ऐसा आइटम है जिसका वर्सटाइल नेचर है। रीजन ये है कि फर्स्ट तो ये टेट्रावेलेंट इन नेचर है, चार बॉन्ड बनाता है, वो सिर्फ कार्बन ही बनाता है। सेकेंड है टेट्रावेलेंट की वजह से इसका है कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स एक लॉन्ग चेन बनाना खुद के साथ ही, कार्बन 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 कार्बन, अब थाउजेंड्स ऑफ कार्बन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन के आप चेन बना सकते हो, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन एटम थ्रो कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच एंड रिंग ऑफ डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो ये सिर्फ एक कार्बन का ही ऐसा नेचर है। सल्फर है वो भी 8 ही होंगे, N है वो 2 होंगे, ऐसे एटम्स ले लो, फॉस्फोरस ओनली 4 ही है। अनलिमिटेड एनी नंबर ऑफ हम जितने भी नंबर ऑफ कार्बन के अगर लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हैं तो वो सिर्फ कार्बन है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स खुद के साथ ही कोवेलेंट बॉन्डिंग लॉन्गेस्ट चेन बनाना, वो प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन की ही है। नेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू, है क्यों कैटिनेशन प्रॉपर्टी, द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम का साइज स्मॉल है। द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकता है, इनकी स्ट्रेंथ है, टेंडेंसी है। कार्बन के नॉल्सो फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी स्टेबल है, विद इटसेल्फ खुद के साथ बना के स्टेबल है, एंड विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टीज है, उसमें कोई ना कोई ऐसे गुण है तभी करके वो कैटिनेशन बना रहा है। तो ये उसके अंदर प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, स्ट्रेट चेन क्या होती है, ब्रांच चेन क्या होती है, रिंग्स क्या होती हैं? देखो, अगर आप सिंपली इस टाइप से कोई भी कार्बन अटैच है, कोई भी इसके अंदर ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट है बिल्कुल, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। वन कार्बन फर्दर क्या है, इस टाइप से कार्बन कार्बन है, वन कार्बन फर्दर अनदर कार्बन के साथ अटैच्ड है इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, ब्रांचेस जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रांच चेन। ये नीचे जो नेम है वो मैं आपको अभी करवाऊंगी, अभी आप इसका ध्यान मत दो कि ये क्या है, तो वो क्या है, ब्रांच चेन है। नेक्स्ट, रिंग्स क्लोज रिंग की फॉर्म में है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिंग्स कंपाउंड बोलते हैं।
तो थ्री टाइप के हम इसमें रीड करेंगे, स्ट्रेट, ब्रांच एंड रिंग्स। नेक्स्ट, टेट्रावेलेंट नेचर कार्बन का, फिर वापस आ गया कि वो क्या है जो अभी हम कर रहे थे, कैटिनेशन। कैटिनेशन के बाद आ गया कि टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट नेचर हम कर चुके हैं कि कार्बन क्या करता है, वैलेंसी 4, इट इज कैपेबल फॉर बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स, दीज मे बी हाइड्रोजन और एनी अदर एटम। कार्बन के हाइड्रोजन और अदर एटम किसी के साथ भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्या रह सकता है, स्टेबल रह सकता है, तो ये भी इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ये आज हमने जो किया है वो कार्बन का इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड, ये जो हमने सब किया वही है। होप आपको समझ आया होगा, समझ आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय, टेक केयर।